महालिंग सनसाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्षा ममिता मेहर हत्या घटना हत्याकारी गोविंद साहू और तार सहयोगी राधे चंडी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे बंगोमुंडा जेएमएफसी रे हाजर करा जाइछे। सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि जोगु वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे कोर्ट रे हाजर करा जाइतबा कहिसेंती सरकारी वकील वासुदेव राय। नवंबर 27 रे पूणी दुई गिरफ अभियुक्तंकु कोर्ट रे हाजर करा जिवो। गोविंद साहू ममिता को हत्या करितबा पुलिस आगरे स्वीकार करितबा बेले सहयोगी गात खोलीबा जोगु गिरफ कर गिरफ दुई जन वर्तमान समय रे कंटाबांजी उपकारागारे अछन्ति। ममिता मेहर मर्डर केस मुख्य आसामी जी गोविंद साहू आउ तार सहयोगी राधेश्याम चंडी एलियस राधेर आज प्रदर्शन दिया ऑनरेबल कोर्ट वर्चुअल वर्चुअल मोड माध्यम से ताकू हाजर कराई जाला कोर्ट रे तो वर्चुअल मोड में पचरा उचरा करते तार नेक्स्ट डेट अच्छे 27/11/2021 गोविंद साहू जे कि ममिता मेहर मर्डर केस मुख्य आसामी आउ तार सहयोगी जी थी राधेश्याम चंडी एलियस राधेर वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे सुरक्षा दृष्टि वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से कोर्ट रे हाजर करा जाय। तो महालिंग सनसाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्ष ममिता मेहर हत्या घटना हत्याकारी गोविंद साहू और तार सहयोगी राधे चंडी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे बंगोमुंडा जेएमएफसी रे हाजर करा जाइछि। सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि जोगु वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे कोर्ट रे हाजर करा जाइतबा कहिसेंती सरकारी वकील। नवंबर 27 रे पूणी दुई गिरफ अभियुक्तंकु कोर्ट रे हाजर करा जिवार खबर आसी पहुंचुछि। गोविंद साहू ममिता को हत्या करितबा पुलिस आगरे स्वीकार करितबा बेले सहयोगी गात खोलीथबा जोगु गिरफ होइछि। गिरफ दुई जन को वर्तमान समय रे कंटावांजी उपकारागारे रखा जाइछि। बड़ खबर जे वर्तमान समय आसी पहुंचुछि जे गोविंद साहू और ता सहयोगी राधे चंडी को जेएमएफसी कोर्ट रे हाजर करा जाइछि। बंगोमुंडा जेएमएफसी रे कड़ा सुरक्षा बलय मध्ये आज वीडियो फुलेश्वर हंस प्रतिनिधि अछन्ति अधिक सूचना पई। फुलेश्वर कौन अपडेट आपन पाखरे अछि खबर को नै? हाँ देखंतु अपूर्व आमे अछु बलांगीर जिला बंगोमुंडा जेएमएफसी कोर्ट सम्मुखर अछु। किसी समय तले जो महालिंग कॉलेज संस्थान कॉलेज अध्यक्षा ममिता मेहर जो हत्या घटनार मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू एवं तार सहयोगी को आज बंगोमुंडा जेएमएफसी कोर्ट जो कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से हाजर कर तेरे गत दुई तारीख दिन यही जो पूर्वर हाजर कर आज जो दुई अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे तांकु हाजर कराछि। तेबे एई घटना हेउछि एक मुख्य घटना बोली तेबे एई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे तांकु हाजर कर जायथा बेले आज बंगोमुंडा रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे सीधा सलोक सेमानकु हाजर कर जायछि। एबे जो गोविंद साहू रो पूर्व जो वकील थिले प्रदीप शर्मा तांकु हटाई अन्य जने नूतन वकील को सेठारे दिया जायछि। तेबे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे ए गोविंद साहू एवं तार सहयोगी राधे चंडी को बंगोमुंडा जेएमएफसी कोर्ट सम्मुखें हाजर कर जो सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टि रखी यही जो दुई जन अभियुक्त जनता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे बंगोमुंडा जेएमएफसी कोर्ट जो कोर्ट रे हाजर कर अपूर्व। तेरे भुवनेश्वर यह सूचना आसी पहुंचे 27 रे पुणी दुई गिरफ अभियुक्त को कोर्ट रे हाजर कर आज शुणी बेले कोर्ट कौन कहते पुलिस को खासकर पुलिस चार्जसीट पुलिस जो भाई तदंत करूँ खुशी अच्छा कोर्ट ना क्यों ना क्यों पुलिस को मध्य तागिद करा जाए। देखो तो अपूर्व आम सीधा सलोक जो सरकारी वकील वासुदेव राय सहित से कहते आमको जे पुलिस संतुष्ट अच्छी जो वकील पूर्व जो थे प्रदीप शर्मा तांको स्थान रे अन्य एक वकील को जो अच्छी कंटाबाजी जो वकील को दायित्व दि जाए केस लड़ापी। ओके तो हुलेश्वर सिंह हुलेश्वर हंस हम प्रतिनिधि एने अधिक सूचना देउथले जे आज बंगोमुंडा जेएमएफसी रे हाजर करा जाइछि दुई अभियुक्त गोविंद साहू एवं तार सहयोगी राधे चंडी को पुणी थे नवंबर 27 रे दुई जन को अभियुक्त को कोर्ट रे हाजर करा जिवो जेहेतु कड़ा सुरक्षा बलय मध्ये दुई जन को रखा जाइछि कंटाबांजी उपकारागार रे। सुरक्षा दृष्टि आज उभय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे हाजर करा जाइछि। बहुत बहुत धन्यवाद हुलेश्वर हंस हम प्रतिनिधि एने पूरा अपडेट देउथले।